हरियाणा के नूह जिले के बिजासना गांव में खनन कार्य के दौरान बड़ा हादसा हो गया है, जहां अचानक ब्लास्ट के बाद पहाड़ की एक बड़ी चट्टान नीचे खनन कार्य कर रहे लोगों के ऊपर गिर गई, जिसमें चार लोगों समेत खनन कार्य में लगे वाहन मलबे में दब गए। जानकारी के मुताबिक रेस्क्यू टीम ने मलबे में दबे दो लोगों को सुरक्षित बचा लिया है, जबकि दो लोगों की मौत हो गई है। कहा जा रहा है कि जिस पहाड़ के गिरने से यह हादसा हुआ है वो खनिज कार्यों से जुड़ा हुआ था। फिलहाल मृतकों के शवों को सीकरी के सिविल अस्पताल में रखा गया है। दरअसल गोपालगढ़ थाना क्षेत्र के गांव बिजासन में अवैध खनन से अचानक पहाड़ खिसक गया, जिसमें चार लोगों समेत खनन कार्य में लगे वाहन मलबे में दब गए। घटना की सूचना मिलते ही लोगों में हड़कंप मच गया। बता दें, हादसे में मरने वालों की पहचान नूह जिले के अगौन गांव के रहने वाले अजरुद्दीन और शाजाद के रूप में हुई है। फिलहाल करीब 9 घंटे चला रेस्क्यू ऑपरेशन अब खत्म हो चुका है, जिसमें दो लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है और जिनका सिविल अस्पताल में इलाज जारी है। फिलहाल मलबे से लोगों को निकालने का काम पूरा हो गया है। अब पुलिस प्रशासन इस घटना की तफ्तीश के लिए क्या कार्रवाई अमल में लाता है, ये देखने वाली बात होगी। नूह से AK बघेल, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।